गट्टू का रेनकोट। आज बहुत रेनी डे था और अभी अभी बच्चों के रेनकोट और अम्ब्रेला के रेनी शॉपिंग पूरे हुए थे। गट्टू को इतने बारिश में स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चलो गट्टू चिंकी, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी मैं तो रेडी हो गई। अरे गट्टू उठ भी जा, चिंकी तैयार भी हो गई। मम्मा देखो ना बारिश कितनी है बाहर, मुझे नहीं जाना, पूरा भीग जाता हूँ मैं। अच्छा तुम्हें समर में धूप लगती है और रेनी सीजन में बारिश और विंटर में सर्दियाँ, तो क्या तुम तीनों सीजन में स्कूल नहीं जाओगे? हाँ कल ही तो संडे की छुट्टी थी, आज साइंस टीचर इम्पोर्टेंट नोट्स देने वाले हैं, आज तो स्कूल जाना ही होगा। आज रहने देते हैं ना चिंकी, आज नहीं जाते हैं ना। गट्टू जल्दी से रेडी हो जाओ, अगर तुम स्कूल गए तो शाम में मैं तुम्हारी फेवरेट आलू टिक्की बनाऊंगी। क्या सच में आप मेरे लिए आलू टिक्की बनाओगे? हाँ बाबा सच में बनाऊंगी, अब उठ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी के बहुत मनाने पर आखिरकार गट्टू स्कूल के लिए रेडी हो गया। गट्टू ने रेनकोट पहना और चिंकी छाता लेकर स्कूल के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक रास्ते में जोर की आंधी आई। अरे हे भगवान, बारिश क्या कम थी जो अब आंधी भी आ गई, अब स्कूल कैसे जाएंगे? गट्टू जल्दी भाग, हम स्कूल के पास पहुंच गए हैं, अगर जल्दी भागेंगे तो हम स्कूल में पहुंच जाएंगे, छाता भी उड़ रहा है, आज हम पक्का भीगने वाले हैं। ओ नो। जैसे तैसे आंधी में खुद को बचाते हुए गट्टू और चिंकी स्कूल में पहुंच गए, लेकिन तब तक कुछ पेड़ टूट कर नीचे भी गिर चुके थे और गट्टू चिंकी थोड़े थोड़े डर गए थे। अरे गट्टू चिंकी, ये क्या तुम तो भीग चुके हो, स्कूल में कैसे बैठोगे गीले कपड़ों के साथ? चलो जल्दी स्कूल शुरू होने वाला है, टीचर भी आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे वाह मिट्टी की कितनी मस्त सुगंध आ रही है। कीप साइलेंस, आज हम बारिश की कविता सुनने वाले हैं। चलो सभी लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करो। रिम झिम बरसा पानी, देखो आई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, झम झमा झम जम कर बरसे। टीचर पोयम पढ़ा रहे थे लेकिन गट्टू की आंखें खिड़की के बाहर ही थमी हुई थी। ये देखकर टीचर ने जोर से गट्टू को आवाज लगाई। गट्टू ध्यान कहाँ है, अभी मैं जो कविता पढ़ा रही हूँ उन पंक्तियों का मतलब बताओ। अरे टीचर आप कविता पढ़ा रहे हो लेकिन उन पंक्तियों में वर्णन बारिश का किया हुआ है, और इतनी अच्छी सुनहरी बारिश मुझे सामने दिख रही है, और आप बुक में क्या दिखा रहे हो? हाँ टीचर, बुक में बारिश की कविता पढ़ने से अच्छा है बाहर जाकर हम बारिश का स्वाद लें। हाँ बुक में कब तक बारिश पढ़ते रहेंगे जब इतनी अच्छी बारिश खुद हमारी आंखों के सामने दिख रही है। हाँ ये बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ। शांत हो जाओ बच्चों, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन अभी हम स्कूल टाइम में हैं। इस वक्त अगर तुम बाहर जाओगे तो भीग जाओगे और फिर बीमार हो जाओगे और तुम्हारे मम्मी पापा आकर हमें डांटेंगे। टीचर मैं रेनकोट लाया हूँ, मुझे जाने दो, मैं नहीं भीगूंगा। कल शाम के वेदर फोरकास्ट में बताया था कि आज बारिश होने वाली है, इसीलिए मम्मी ने जबरदस्ती ये रेनकोट मेरे बैग में भर दिया। टीचर गट्टू के पास भी रेनकोट है और मेरे पास छाता। सारे बच्चे एक एक करते हुए बारिश में भीगने की जिद करने लगे, लेकिन टीचर ने भी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और आगे कहा, तुम्हें कविता नहीं सीखनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम सबको कागज की नाव बनाना सिखाती हूँ। आज हम क्राफ्ट की क्लास पूरी करते हैं, घर जाते वक्त पानी में तुम ये नाव बहा देना। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए, टीचर ने भी बच्चों को नाव बनाना सिखाया। स्कूल खत्म होते वक्त बारिश कम हो गई थी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ने लगे। चल गट्टू देखते हैं आज पहले कौन घर पहुंचता है। On your marks, get set, go. सारे बच्चों में रेस लग गई, सब लोग दौड़ने लगे, लेकिन रास्ते में पैर फिसल कर चिंकी गिर गई। अरे यार ड्रेस खराब हो गया और मेरा छाता भी टूट गया, अब मम्मी बहुत डांटेंगी। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। पिंकी अपना हाथ देकर चिंकी को उठाने लगी, तभी बंटी ने पीछे से पिंकी को धक्का दे दिया और पिंकी भी गिर गई।
बंटी के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसने बंटी को भी गिरा दिया। ऐसा करते करते सारे बच्चे भीग गए और वहीं पानी में खेलने लगे। तभी सामने गट्टू को बारिश में भीगते हुए दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। अरे वो देखो, वो दोनों बारिश में भीग रहे हैं और उनके पास कोई छाता या रेनकोट भी नहीं है। चलो उनके साथ बात करते हैं। अरे दोस्तों, तुम इतनी बारिश में ऐसे ही क्यों बैठे हो? खेलने आए हो तो हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, आ जाओ। नहीं, हम खेलने नहीं आए हैं। अगर खेलने नहीं आए हो तो घर जाओ। टीचर जी कहती हैं, ज्यादा देर तक बारिश में भीगोगे या फिर ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हम रास्ता भूल गए और हमारे पास तो फोन भी नहीं है हमारे मम्मी पापा को कॉल करने के लिए। तभी गट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया और एक दूसरे के कान में उसने सबको आइडिया बताए और उन सब बच्चों को बोला, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन जाना कहाँ है? अरे चलो तो जल्दी चलो। गट्टू और उसके दोस्त उन्हें अपने अम्ब्रेला में लेकर अपने कॉलोनी में ले आए और कॉलोनी के एक ओपन शेड में ले आए और उन्हें बैठने के लिए कहा। अरे गट्टू, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? डोंट वरी, अगर गट्टू है साथ तो फिक्र की क्या बात। रुको, मैं अभी आता हूँ। गट्टू फटाफट अपने घर में गया और एक बड़ी सी अम्ब्रेला और एक रेनकोट लेकर वापस आने लगा। तभी अचानक मम्मी ने उसे देख लिया। गट्टू, रेनकोट होते हुए भी भीग गए हो, और ये रेनकोट और छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? और चिंकी कहाँ है? पूरा घर गंदा कर दिया। मम्मी, वो सामने वाली शर्मा आंटी ने छाता मंगाया है, मैं उन्हें ये देकर आता हूँ। उनके घर शायद कोई मेहमान आए हुए हैं, चिंकी भी वहीं पर रुकी हुई है, मैं अभी आया। गट्टू फटाफट रेनकोट और छाता लेकर शेड के पास पहुँच गया और छाते में रैप किए हुए सूखे कपड़े उन दोनों को पहनने के लिए दिए और बारिश से बचने के लिए वो रेनकोट और छाता उन्हें दे दिया। तुम बहुत होशियार हो गट्टू। हाँ, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया कभी नहीं आता। थैंक यू गट्टू। तभी उनके पीछे पीछे मम्मी आई और ये सब चीजें मम्मी ने सुन ली और उन्हें गट्टू के ऊपर बहुत फक्र महसूस हुआ। गट्टू चिंकी, तो ये है तुम्हारी शर्मा आंटी। मम्मी को देखकर सारे बच्चे डर गए। सॉरी मम्मी। लेकिन मम्मी को तो सॉरी नहीं सुनना था। अपने बच्चों को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखें भर आई। सॉरी मत कहो, आज तुम्हारी वजह से मेरा सर ऊंचा हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसे इतने दयालु बच्चे मुझे मिले हैं। मम्मी का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। बंटी उन दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया। बारिश खत्म होते ही गट्टू और चिंकी के पापा ने राजू और गोलू के मम्मी पापा को कॉल किया और अच्छे से एड्रेस पूछकर उनके घर छोड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।